शहर इन दिनों बदहाली की भेंट चल रहा है। विशेष तौर से टूटी फूटी सड़कों के कारण आमजन का घरों से बाहर निकलना दूभर हो गया है और तो और निजी कंपनी द्वारा बिछाई जा रही केबल लाइन शहर के सौंदर्य में ओर में खाज का काम कर रही है। शहर की बदहाली पर चिंता जताते हुए जागरूक पार्षदों ने सोमवार को आयुक्त झब्बर सिंह को ज्ञापन सौंपा। पार्षदों ने बताया कि निजी केबल कंपनी द्वारा सड़क किनारे केबल बिछाने के दौरान खोदी गई सड़क में तकनीकी रूप से काफी लापरवाही बरती गई है और यही वजह है कि लापरवाही के कारण खड्डों में एक भरी गई मिट्टी का लेवलिंग कई तरह से ना होने के कारण सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे इधर उधर फैल गए हैं, जिससे वाहनों को दुर्घटना का खतरा रहता है। साथ ही पार्षदों ने सीवरेज ठेकेदार को भी आड़े हाथ लेते हुए आरोप लगाया कि सीवरेज खुदाई के बाद काम के नाम पर सड़कों की महज लीपापोती की गई। घटिया पेचवर्क के बार कारण जांच शिविर आज लाइन मेन होल के ढक्कन सड़क के लेवल से ऊपर है। वहीं सभी वार्डों की सड़कें भी टूट फूट गई है। घटिया सड़कों के कारण क्षेत्रवासियों को आवाजाही में परेशानी तो उठानी ही पड़ रही है, साथ ही उड़ती धूल से अस्थमा के रोगी परेशान हो रहे हैं और आमजन की कमर दर्द पे स्लिप डिस्क की समस्याएं भी बढ़ रही है। पार्षदों ने आयुक्त से मांग की है कि शहर को टूटी फूटी सड़कों की समस्या से निजात दिलाकर आमजन को राहत प्रदान करें। शहर में निजी मोबाइल कंपनी द्वारा जो निर्माण जो लाइन डाली जा रही है उसके तहत उन्होंने तकनीकी रूप से उसके अंदर ध्यान नहीं रखा है। खोदने के बाद में जो मिट्टी डाली जाती है वो कई तरह से ऊपर रहे पत्थर बिखर गए हैं, तो उन्होंने लेवलीकरण उन्होंने किया नहीं है। उसकी सूचना हमने नगर परिषद प्रशासन को दी है और उसके तहत अभी ने बातचीत करी है। यदि वो आजकल में वो उसका समस्या का समाधान निदान नहीं होता है तो निश्चित तौर पर हम उस कंपनी का कार्य भी रुकवाने का प्रयास करेंगे और उसका पूरा जोर विरोध करेंगे कि वो सही तरह से कार्य करें। इसी तरह शहर की जो दुर्दशा सीवरेज कार्य से हुई है उसका भी हमने जिक्र किया है कि कई बार शिकायतों के बावजूद में ऊँचे नीचे जो चैम्बर हैं जिनका लेवल नहीं हो रखा है, कई तरह से नालियाँ जिन कनेक्शनों के कारण जाम हो चुकी है, सीवरेज की समस्या के बारे में उन बिंदुओं पर हमने सिलसिलेवार समस्या से अवगत कराया है। निश्चित तौर पर अगर ये उन पर निदान नहीं होता है तो हम सब पार्षद एकजुट होकर इस समस्या का पूर्ण जोर से विरोध करके हम इसका निदान चाहिए।